बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में भाजपा ने सोमवार को प्रदेशव्यापी आह्वान पर बिजली कार्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना काल में भारी भरकम बिजली बिलों को लेकर भाजपा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। इसके चलते सोमवार को हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर प्रदेश भर के जीएसएस और ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सभी जगह ज्ञापन में भाजपा ने एक ही मांग की है कि जनता कोरोना काल में त्रस्त है और राज्य की गहलोत सरकार उन पर मनमाने चार्ज लगाकर भारी भरकम बिल वसूलने के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में जनता को राहत प्रदान की जाए, नहीं तो भाजपा आने वाले समय में आंदोलन करेगी। पटेल सर्कल स्थित बिजली कार्यालय पर पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कटारिया ने गहलोत सरकार को बिजली बिल बढ़ाने का जिम्मेदार बताते हुए आड़े हाथों लिया। केवल बिजली के बढ़े हुए बिलों को इस कोरोना काल में सरकार माफ करे, इस बात को लेकर के जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे लगा दिए हैं उनको वापस लेने के दृष्टि से और बिजली का सप्लाई प्रॉपर हो इसके लिए, और बिजली सरकार ने किसानों के लिए जो 866 अर्थात 10,000 रुपया सालाना हर एक किसान के माफ़ किए थे, उससे अतिरिक्त बिल आएगा तो किसान को देना है, बाकी 10,000 तक के बिल उसको नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से 60-70% किसान इसमें से मुक्ति पा जाते और उनको अपनी खेती करना आसान और सस्ता हो जाता। इन सब बातों को लेकर के ये वापस जो कांग्रेस आने के बाद जो बंद कर दिया इसको वापस चालू करें, इन सब बातों को लेकर के आज का ये जीएसएस पर राजस्थान में जितनी जीएसएस है उन सब पर आज अपने अपने एरिए के हिसाब से बांट करके सब जगह ये आंदोलन है। डबोक स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में मावली विधायक धर्म नारायण जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जोशी ने कहा कि विधानसभा में भी बिजली बिलों को लेकर भाजपा ने आवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में अब जनता के बीच से इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस दौरान विजय प्रकाश विपलवी, कुलदीप सिंह खेम सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोग महामारी से परेशान हो रहे हैं, लोग अपने जीवन को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं। निकम्मी सरकार ने लोगों पर बिजली का जबरदस्त भार बढ़ाया है, 300 रुपये सरचार्ज के 1100 रुपये कर दिए। राजस्थान के अन्य प्रांतों में, हरियाणा में बिजली 2.5 रुपये है, दिल्ली में 2.5 रुपये है, और राजस्थान की सरकार बिजली के 7.5 रुपये और उस पर ले रही है। इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से मांग है, हमारे डबोक मंडल के कार्यकर्ता सभी यहाँ इकट्ठे होकर के और यहाँ जीएसएस ज्ञापन देने आए हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि जनता को बिजली के बिलों में राहत है और विशेषकर जो किसान गरीब भाई है और जिनका अभी लॉकडाउन में इस महामारी में कोरोना महामारी में कोई काम धंधे नहीं हुए, सारे परेशान है, उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए बिजली के बिल तुरंत घटावे।